1450 साल पुरानी बात है। एक बूढ़ी खातून है, खैमा लगा हुआ है रेगिस्तान में। दुनिया में कोई नहीं जानता उनको। काम क्या था उस खातून का? आने जाने वालों को कभी दूध बेच देना, कभी खाना खिला देना। उस बूढ़ी औरत के भाग जाग गए, उसके नसीब जाग गए कि उसके खैमे में नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा फरमा हो गए। हिजरत का सफर है, मदीने शरीफ जाते जाते आका अलैहिस्सलाम को कुछ खाने पीने की तलब हुई। अब एक खैमा नजर आया, नबी पाक उस खैमे में जाते हैं, वहां खातून मौजूद है। कहा कुछ खाने को है? खातून कहती खाने को कुछ नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा घर में कुछ खाने पीने को नहीं, एक सूखी सी बकरी खड़ी है, बर्तन सारे खाली। आका ने फरमाया इजाजत दो तो इस बकरी से दूध निकाल लो। कहा हुजूर इस बकरी ने तो बड़ा अरसा हो गया दूध देना छोड़ दिया है। आए हाय, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बकरी की पीठ पर हाथ फेरा, उसने अपने पैर चौड़े किए, थनों में दूध उतरा और दूध निकलना शुरू हो गया, बर्तन भरना शुरू हुए, एक एक करके सारे घर के बर्तन भर गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी दूध पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने भी दूध नोश फरमाया। अब जनाब थोड़ी देर के बाद आका तो तशरीफ ले गए, ये थोड़ी देर की मुलाकात थी, तारुफ भी नहीं हो सका। वो खातून नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम भी ना पूछ सकी। आका तशरीफ ले गए मगर उस खातून को दीवाना बना गए। थोड़ी देर की मुलाकात ने मस्ताना बना दिया। उस खातून का नाम उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम अबू माबद रदी अल्लाह ताला नो। अब शौहर आकर कहते हैं, ए उम्मे माबद, घर के हालात बदले बदले लग रहे हैं, बकरी दूध देने लग गई, बर्तन दूध से भरे हैं, खैमे में खुशहाली है, ये क्या हो गया आज हमारे घर को? उम्मे माबद कहती मैं कुछ नहीं जानती, एक मुबारक हस्ती आई थी, उनके कदम लगे, हर तरफ खुशहाली आ गई, कमरे में नूर छा गया है। अबू माबद कहते हैं अच्छा बताओ तो सही, वो दिखते कैसे थे? उम्मे माबद क्या कहती हैं, मैंने एक शख्स को देखा, एक शख्सियत को देखा जिनका हुस्न नुमाया था, उनका चेहरा खूबसूरत और तखलीक बड़ी उम्दा थी, ना ही दुबला पतला होने का ऐब था, ना ही पेट बड़ा होने का ऐब था, उनकी आंखें सियाह और बड़ी बड़ी थी, वफी अशफारी ही वतफुन, कहती पलके लंबी थी, वफी साउथ ही सहलुन, उनकी आवाज में गूंज थी, कुदरती एको साउंड था, वफी उनुक ही सतहुन, उनकी गर्दन बड़ी चमकदार थी, वफी लिहयत ही कथा था, उनकी दाढ़ी जो थी वो बड़ी घनी थी, अजज अकरन, दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे, इन समतफा अलैहिल वकार, जब वो खामोश होते थे बड़े बावकार लगते थे, वो इंतकल्लमा समा व आलाहुल बहा, जब गुफ्तगु फरमाते तो चेहरा और बारौनक हो जाता था। कहती अजमलुन नास, बेहतरीन खूबसूरत तरीन थे, वो अबहा उम्बिम बईद, जब दूर से देखते थे ना तो सब में खूबसूरत नजर आते थे, मगर जब करीब जाते तो और खूबसूरत लगते थे। आया कहती हुलवुल मंतिक, निहायती शीरी गुफ्तार थे, फरमाती फसलुन ला नजरुन वला हजर, उनकी गुफ्तगु बिल्कुल क्लियर होती थी, बेफायदा नहीं, कोई बेहुदा बात नहीं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगु फरमाते। कहती है आगे महफूदुन, सब उनके खादिम थे, महशूदुन, सबके लिए वो काबिल एहतराम थे, ला आबिसुन, तुर्शरुवी वाली सख्ती वाली बातें ना थी, वला मुफन्नदुन, ना ही उनके हुकुम के खिलाफ कोई बात की जाती, बात करते थे ऐसा लगता मोतियों की लड़ी निकल रही है। अबू माबद ने जब नबी पाक का ये हुलिया सुनाना बड़ा मजा आया। दूसरे दिन काम से आए, कहते ए उम्मे माबद को मुबारक की बातें फिर सुनाओ ना, जरा बताओ ना वो कैसे दिखते थे। हैं शोहर अपनी बीवी से कह रहा है कि फिर नबी ये, अच्छा दोनों को नाम नहीं पता, दोनों को ये नहीं पता वो हैं कौन, नाम मुबारक रख दिया, आपस में बातें होती थी, जरा मुबारक की बातें फिर सुनाओ। सवाल करना चाहता हूं, बताओ ये महफिले नात नहीं थी तो क्या थी, ये मिलाद नहीं था तो क्या था, ये मेरे आका की महफिल हर रोज उस खैमे में सज रही है, थोड़ी देर के लिए आका आए हैं और दीवाना बनाकर चला गए हैं, वो अपनी निगाहों से दीवाना बनाते हैं, सहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की।